अच्छा पापा, इस बार वो मसला हल करना है। कौन मसला? नेहा का। हाँ हाँ, तुम आ जाओ, अब फिर आमने सामने बैठ के बात करेंगे। अच्छा पापा, ठेकेदार साहब को मत बोलिएगा हमारे, वरना आकर बैठ जाएंगे सिर पे। नहीं नहीं, नहीं बुलाएंगे, तुम पहुंचो। ओके पापा, प्रणाम। खुश रहो। हाँ बहुत गर्मी है। आप तो बेली रोड जाने वाले थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? का है? तुम लोग का कोई भागने वागने का प्लान है क्या? अब चौकीदार घर पे नहीं रहेगा तो चोर भाग ही जाएगा ना पापा। अब कैलाशवा कब पहुंच रहा है? कल सुबह। वो मसाला का है? मम्मी, मसाला नहीं, मसला माने बात, प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? अरे कैलाश आ रहा है ना, जब आएगा तो डिस्कस कर लेना आमने सामने बैठ के। जैसे आपका बेटा हमको सब कुछ बताता है ना। और सुनिए, उसको बोलिए कि इस बार बहू को बंबई लेकर जाए। पहले जो सामने है बेटी का शादी, उसके बारे में सोचो। और तुम लोग वो कैलाश के लिए ऊपर वाला कमरा रेडी करो। भैया का कमरा? भैया कमरा तो ऑलरेडी रेडी है ना पापा। आप भी ना। भाभी, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है, स्वामी विवेकानंद। वाह, आपकी एक चीज हमको बहुत अच्छी लगती है भाभी, आप उस मामले में ना बिल्कुल हमारी जैसी। क्या? जिद। आप बहुत जिद्दी हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो फिर जिद तो जरूरी है ना? बिल्कुल जरूरी है। उठिए और हमारे साथ चलिए ब्यूटी पार्लर। अरे कल भैया आ रहे हैं, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि सारे बंबई में भी हमारी भाभी जैसी कोई नहीं। नहीं छुटंकी, उन्हें कुछ भी नकली पसंद नहीं है। टेंशन काहे ले रही हो? आ जाएंगे ना भैया, खाने दो ना टमाटर। अरे मम्मी पापा, भैया आ गए, आ गए। हेलो एवरीबॉडी। प्रणाम पापा। खुश रहो, खुश रहो। प्रणाम। खुश रहो। कैसी है माँ? जैसे तू छोड़ के गया था। अरे खुश रहो, हाथ हो गया हो। अरे कैलाश बहुत देर लगा दी आने में। अरे मत पूछो पापा, गंगा ब्रिज पे बहुत ट्रैफिक था। हाँ, काहे कि पटना प्रशासन को थोड़ी पता था कि हमारे भैया आ रहे। लो शुरू हो गई। हमारे साइंटिफिक कैलकुलेटर। ए पहले भैया को बैठने तो दो। चलिए भैया। हाँ भाई, लाए हैं और तुम्हारे लिए भी लाए। और हमारे लिए? सबके लिए लाए हैं। रुमाल जल्दी आ यार। हाँ भैया, सूटकेस का जल्दी दे। वो तो हम भाभी कमरे में रख दिए। महीनों से इंतजार कर रही है आपका। हम अभी आए। मेरा सूटकेस कहाँ है जी?
सूट अटैची जिसमें मुंबई से सामान लेकर आए ना, वो उधर है। ये पाउडर लिपस्टिक लगा के तुम मुझे इंप्रेस नहीं कर पाओगी। इसलिए तो नाराज हैं हम भैया से, पर नाराजगी इसका इलाज नहीं है छुटंकी। जानती हो स्वामी जी क्या कहते हैं, दिल और दिमाग की जंग में हमेशा दिल की सुनो। तो आपका दिल क्या कहता है? यही कि दिल और दिमाग की जंग में जीत हमेशा दिल की ही होती है। अभी तुम्हारे भैया दिमाग से सोच रहे हैं, उन्हें इस रिश्ते में कोई फायदा नहीं दिखता। दिखेगा भी कैसे, पापा के बेटे बिना फायदा के कोई काम नहीं करते। पर जिस दिन वो हमें दिल की नजरों से देखेंगे ना, सब कुछ बदल जाएगा। और इस बीच हम कुछ ऐसा बन जाएंगे जिसे वो नजरअंदाज कर ही नहीं पाएंगे। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, इररेजिस्टिबल, अप्रतिरोध्य। भाभी, बाप रे, हमारे लिए आप हो जिद्दी, इररेजिस्टेबल, अप्रतिरोध्य। कौन समझेगा, हम समझ रहे, लेकिन हम देख रहे हैं अपने दिल से। गजबे ब्यूटीफुल हो आप, अब पार्लर जाने की कोई जरूरत ही नहीं। बॉबी भैया, रानी सामने है, मिस नहीं करना है। जैसे पहले मिस को मिस किए थे। अरे मिस किए थे कि मार खाए थे, चांद नहीं आंधी है, जला के भा। मिस टेक हो गया। क्या बॉबी भैया, सामने रानी और दिमाग दही चूड़ा चिन्नी। चुप, तो मारेगा पत्थर से तोड़ेगा, समझा? दही चूड़ा चिन्नी। जो दिलाता है वो पिलाता है, जो अपने हथियार से खिलवाड़ करता है वो अपनी ही पिस्तौल से मारा जाता है। ये शकुनी चाचा भी गजब फेकड़ा बोलते हैं, है ना बोल भाई? अरे फोकट का फेकड़ा बोलता है। नारे बॉबी, होनहार बाप का औलाद होनहार हो या ना हो, पर नलायक बेटे का बाप होनहार ही होता है। ये देखो, यह है खजाने का फोटो। ये क्या सुन चाचा? मास्टर सर्वोत्तम शर्मा की दौलत की लिस्ट। अरे बाप रे, कितना पैसा है रे मास्टर को। तो भी मास्टर टाइप, बहुत पैसा है इसमें। ये उसी का लिस्ट है, मास्टर सर्वोत्तम शर्मा अजस्सू दौलत पर बैठा है। अरे लिस्ट भांजने से कहाँ होगा, मास्टर का दौलत है, कड़क का फुचका थोड़ी है कि उठा के मुंह में टप से डाल दिए। बात करते भगे। सड़क का फुचका नहीं मेरे लाल, सड़क का गर्दा।
गर्दा मतलब धूल। शादी है उस घर में, बड़े घर में लगन तय हुआ है, बड़ा खर्चा, रुपया, पैसा, गहना इधर से उधर और उधर से इधर होने वाला है। सड़क पर नजर टिकाओगे तो उड़ती धूल मुंह में जाएगी। एकदम सही बोले शकुनी चाचा। वाह, बड़े ही लायक बाप है आप शकुनी चाचा। पर सड़क पर नजर कैसे टिकाते हैं शकुनी चाचा? अरे पुचका का ठेला से पुचका खा के रे, थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा। शादी नहीं बर्बादी होगी। लायक बाप का लायक बेटा, हमका गर्व है कि तू शकुनी की औलाद है। वाह! बड़की, इधर कौन दिया तेरे हाथ में झाड़ू? वो पापा बोले थे। अरे क्या, अभी 4 दिन में लड़की की शादी है और उसे झाड़ू लगवा रहे हैं? अपने घर में काम करने से कौन सा बेइज्जती होता है? तो अंदर जा। अरे वो जमुनिया आएगी ना, कर लेगी वो झाड़ू पोछा बर्तन। अरे जमुनिया आएगी तब आएगी, तब तक हमारा कैलाश आने का वेट थोड़ी ना करेगा। अरे मम्मी गे, तुम्हारे होनहार बेटे के आने की तैयारी कर रहे हैं। ओहो, तो इसलिए आप इतना तैयार होकर बैठे हैं? और ये पंडित जी को काहे बुला लिया सुबह सुबह? प्रणाम भौजी, अब देखिए आरती की थाल भी सजी है, अब डॉक्टर साहब आ रहे हैं, उनका वेलकम वेलकम होगा। अलबत्ते हो, लेकिन आप, अरे इसमें अलबत्ते की क्या बात है, 2 साल बाद आ रहा है हमारा बेटा, उसको भी तो मालूम पड़े हम कितना खुश है। हम नहीं है, कितना उत्सुकता से उसका वेट कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे। अरे हम बड़की को नहीं बोले, ये इस छुटंकी को बोले झाड़ू लगाने को। अच्छा, ये आंगन का मैल साफ कराने से पहले ना पापा भैया के मन का मैल साफ कराइए। 5 साल से भाभी को छोड़ के गए। खबरदार, जो उसके बारे में एक शब्द भी बोला तो समझी। आने का टाइम हो गया कैलाश का। पापा लो। अरे तो आ गया कैलाश, कहा था ना मैंने, है देखो कैसा लग रहा है। आ, आ, रुको रुको पंडित जी। वह कर्तुन भाई काय सूर्य कोट संप्रभ निर्विघ्न कुरु देव सर्व काय सर्वदा ओम सूर्याय नमः ओम नारायण नमः ओम विष्णु नमः। अरे अरे भैया, देवी देवता का स्वागत तो ऐसे ही होता है, राप देवता। अरे हमारा बेटा देवता से कम नहीं है कोनो, इतना होनार है। ए रुमलवा, अरे बाहर टैक्सी सामान लेके आ। पापा सामान नहीं है। सामान नहीं पाए? वो हम अपना सामान होटल में रखकर आए। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तुम घर में नहीं 5-स्टार होटल में ही रुकोगे इस बार भी। वैसे भी यहाँ तुमको हमरे सिवा कोई पसंद नहीं करता है। चलो आओ आओ। हेलो सिस्टर्स, कैसी हो? अच्छी हूँ। कैसी हो? और कैसा लगा लड़का मिस्टर राकेश रंजन टन टनाटन? आप हमसे मिलने नहीं आए हैं, पर हम आपको देख पा रहे हैं, ये क्या कम है? जिस दिन हम आपके लायक बन जाएंगे ना, आप अपने आप हमारी ओर आ जाएंगे। आपको जीतने की तैयारी तो हम हर पल कर रहे हैं। अरे तुम चाय वाय चढ़ाओ, नाश्ते वास्ते की तैयारी करो, जाओ आओ कैलाश। कॉफी तो नहीं पीते ना? कॉफी भी पीता हूँ,
पर यहाँ तो घर की चाय ही पीऊंगा। अच्छा 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 ठीक। भैया फानी, भैया एक बात बोलना था। हाँ बोलो। एक बार भाभी को हेलो बोल दीजिए ना। नहीं, हेलो क्या होता है, टेलीफोन करेगा उसको। देखो चुटकी, तुमसे कोई बात छुपी नहीं और तुम ये भी जानती हो कि हम यहाँ बड़की की शादी के संबंध में आए हैं। अभी हमें जरा इस मसले को हैंडल करने दो, वो सब बाद में देखते हैं। अरे फोन पर भी किसी मसले की बात कर रहे थे, क्या मसला है? अरे क्या फालतू बात है, अभी लड़का 2000 किलोमीटर से चल के आया है और तुम लगे बिन मारने उसको। चल के नहीं आया, एरोप्लेन से आया है। प्रेम नहीं मम्मी, प्रेम तो वो होता है जो भाभी भैया से करती है। भैया तो हवाई जहाज एरोप्लेन से आए हैं। थोड़ा हंस बोल के बात कर लेगा उससे तो जबान घिस जाएगा इसका। अरे रात भर नहीं सोई है भाभी? भैया आप तो डॉक्टर है ना, औरत के दिल का दर्द तो समझते ही होंगे। 5 साल से इंतजार कर रही है आपका। अरे माथा खराब हो गया तुम लोगों का, क्या नौटंकी लगा रखी है? 2 मिनट हुए नहीं बच्चे को आए हुए, इसको फोन करो, उससे मिलो, ये करो वो करो, किसी को फोन नहीं करेगा। अरे अभी आया है ये, चाय नाश्ता पानी ये सब पूछो, ये सब करवाओ। अरे फालतू बात कर रहे, अरे पंडित जी आके बैठे हैं, कागज पत्र दिखाना है इसको, या आके डायरेक्ट बीवी के अचरा में घुस जाए। पंडित जी वो लड़के का बायोडेटा दिखाइए। पंडित लंबोदर शास्त्री सब जानते हैं, अब आने लीजिए डॉक्टर साहब। हाँ नो इप नो बट, हाई बायोडाटा लीजिए फटाफट। बीए हिस्ट्री सेकंड डिवीजन, एमए सेकंड, एबीएल कॉलेज, डिप्टी मैनेजर, जीएलसी बैंक। लड़का कोई खास नहीं है, प्राइवेट बैंक में मैनेजर है। अरे कैलाश, ये बाप का कारोबार देख, ईट का छे-छे भट्टा है। पंडित जी ने हिसाब लगाया है 30-40 लाख रुपया महीने का बिजनेस है इसका, इतना कमाई होता है। अब इकलौता लड़का है, वो कहते हैं ना 36 गुण बराबर एक। हाँ हाँ याद है हमें आपका फॉर्मूला। हाँ पापा का तो है गुण के बजाय। तुम क्यों इन्वॉल्व हो रही हो इन सब बातों में? अरे शुरू से बोल रहे हैं, ये और इसकी मम्मी हर बात में टांग अड़ा देते हैं। काहे नहीं अड़ाएंगे टांग? बड़की दी जितना आपकी बेटी है ना, उतना ही मम्मी की भी है और हमारी भी बहन है। अरे आपका बस चलना तो पैसे के लिए कहीं भी शादी कर देंगे बड़की दी का। अरे भैया तू करी मत है कि राकेश संजन है ना वो अच्छा लड़का है, तो इसके पहले जितने उम्मीदवार आए थे ना सब एक से एक कैरेक्टर लेस थे। तुम्हें कैसे मालूम कि राकेश रंजन अच्छा है? मिली हो तुम उससे? हम रेनू, इसकी फ्रेंड है ना, वो कंकर बाग में रहती है, एक रोज घर आई थी, वही बता रही थी कि पांडे जी उनकी पड़ोसी है। अरे हमको नहीं बताई तुमने ये बात। आपको क्या करना, आपको तो पैसे से मतलब है, वो मिल ही रहा है। अच्छा अब आप भी बोलने लगी। देखा ये सभी ये छुटकी का प्रोत्साहन है। खैर छोड़ो ये बात को, वो पांडे से विवाह खर्च की बात हो गई है। वो कैश जो भी था ना वो सब ट्रांसफर कर दिया उसके अकाउंट में, और अब वो बड़की के जो गहने हैं वो लॉकर में है बैंक के, वो भी निकाल के ले आएंगे। पापा लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को देख ले। अरे सही बोले भैया, यही तो हम कब से बोल रहे हैं कि लड़का लड़की आपस में देख ले परख ले, कहीं जिंदगी तो इनको ही बितानी है। काहे ये सब नाटक? अरे हम देखे थे तुम्हारी मम्मी को, 30 बरस हो गया हमारी शादी को, और आजकल का लव मैरिज देखे हो, आज एंगेजमेंट कल डाइवोर्स, और बीच से मैरिज बॉय गायब। ओ सिंह जी की बेटी ऊना में थी, क्या हुआ उसके लव को बोलो? अमेरिका में है पापा पति के साथ।
कहाँ है? हाँ, तुमको तो सब मालूम है। अब छोड़ो ये बातों को, नाश्ता करो, ठंडा हो जाएगा। वो तुम्हारी पसंद की ना दो मिठाई अंदर मंगा के रखे हैं, लो। कैलाश जी, कहा ना बेटा, हम बैंक जा रहे हैं, आने के बाद लड़के वालों से मिलने चलेंगे। भैया वो एक बार भाभी। आ जाओ पापा, मैं भी दोपहर तक आ जाऊंगा वापस, हम भी तब तक पहुंचेंगे। ठीक है। कैलाश वो कहाँ गया? सिटी निकल गया। ऐसे भी क्या जल्दी थी? जल्दी नहीं थी मम्मी के, भाभी थी ना यहाँ,